एवरीवन, आज हम बना रहे हैं पनीर पराठा। ये बहुत ही झटपट और इजी रेसिपी है। ये टिफिन के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका आटा लगाते हैं। मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच घी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डाल के आटा गूंद रही हूँ, नॉर्मल जैसे रोटी में आटा गूंदते हैं वैसे। अच्छे से आटा गूंद लिया है। इसको ऐसे अच्छे से चिकना आटा गूंदना है। उसके बाद इसको कवर करके 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने दो। अब हम इसका स्टफिंग बना रहे हैं। मैंने लिया है 350 ग्राम ग्रेटेड पनीर। पनीर को ग्रेट कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर लिया है, वो डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 6 लहसुन की कलियां और 2 ग्रीन चिली, दोनों को चॉप कर दिया है, वो डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और नमक, इतना डाल के अच्छे से मिक्स कर दो। अब इसमें डालना है 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग के लिए इसे गोल गोल बना के रख दो तो इजी रहेगा पराठा बनाने के लिए। अच्छे से गोल बना दिया है और आटे को भी 20 मिनट हो गया है। इसको वापस ऐसे थोड़ा सा मसल लो। इसे रोटी से बनाते, रोटी में बनाते हैं ना, इसे थोड़ा बड़ा ये पेड़ा बनाना है। आटे में रोल किया है, अब इसको बेल रही हूँ। इतना सा छोटा सा बेल दो पहले, फिर हमने जो पनीर का बोल बनाया था स्टफिंग का, वो बीच में रखेंगे और इसे पिंच लेते हुए बंद कर देंगे और बीच में ऐसे दबा देंगे हल्के हाथ से। वापिस आटा लेना है। हल्के हाथ से बेलना है। पहले तवा अच्छे से गरम कर दो, फिर ये पराठा तवे के ऊपर रखना है। अब इसको पलटा रही हूँ। दूसरी साइड भी थोड़ी देर सेकने के बाद अब ऑयल डालना है। घी या बटर भी डाल सकते हो और गैस यहाँ पे स्लो कर देना। दोनों साइड अच्छे से सेकना है। पनीर पराठा बनकर रेडी है। सब पराठा बनके रेडी है। इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। ये मैंने कट किया है यहाँ पर, इसके ऊपर भी डाल रही हूँ चाट मसाला और थोड़ा सा मैं चीज ग्रेटेड डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, डालना है तो डालिए। और ग्रीन चटनी के साथ ये सर्व करिए। रेडी है पनीर पराठा।